गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के स्टॉक्स जो न्यूज़ में है उनको जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा FII DII देख लीजिए। FII सुधरने को नहीं आ रहे हैं, 7631 थोड़ी सेलिंग, और DII ने 4739 करोड़ की बाइंग करी है। और SGX निफ्टी अभी अच्छा खासा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए आज की मार्केट में। और नैसडेक डाउ भी अच्छा खासा गिरा है, तो आपको भी बहुत सावधानी से आज भी ट्रेड करना होगा। 52 वीक के हाई देख लीजिए आप, केवल दो स्टॉक्स ONGC और हिंडालको। ONGC पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है कल, अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और 52 वीक्स लो देखिए, लगभग सारे दिग्गज स्टॉक, मैक्सिमम दिग्गज स्टॉक 52 वीक्स लो पे हैं, तो आप इन पे भी नज़र बना के रखिएगा। बात कर लेते हैं स्टॉक्स न्यूज़ की, देखिए कौन कौन से स्टॉक्स न्यूज़ पे हैं आज। मैं सारे स्टॉक्स की न्यूज़ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर बड़ा वीडियो आप देखेंगे भी नहीं, सुबह कम समय होता है। तो आप कोशिश करा करिए जो आपसे संबंधित स्टॉक हो या जिनमें आपको नज़र रखना है, तो आप उसको वीडियो को वहाँ पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टॉक है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, दूसरा है नेटको फार्मा, अगला है NLC इंडिया, अगला स्टॉक है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स, अगला स्टॉक है डेरीज, टाटा मोटर्स। जी हाँ, इसको आप इस पर आज जरूर नज़र बना के रखिएगा, अच्छा खासा नीचे आ चुका है ये। LNT ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। अशोक लीलैंड बिल्कुल नुजा ग्रुप से इनकी फ्लैगशिप फॉर्म चल रहा है कुछ। DISH TV इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा, अच्छे स्टॉक्स हैं ये, जो स्टॉक्स ये वाले हैं इन पर जरूर नज़र बना के रखिएगा। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, इस पर भी न्यूज़ है, और मेट्रो ब्रांड्स ये भी अच्छा स्टॉक है, इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा, ये सब बहुत अच्छे खासे करेक्ट हो गए। फ्यूचर ग्रुप, इस पर भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये। विकास इकोटेक, जी हाँ, इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं, माफ़ कीजिएगा, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है, और बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा, क्योंकि माहौल अभी भी खतरनाक बना हुआ है, रिस्की है, तो आप बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।